हेलो। नमस्ते मैडम, मैं जियो कस्टमर केयर से दीपक शर्मा बात कर रहा हूँ। हाँ, ये जियो नंबर आज की डेट पे आपका बंद हो रहा है। माय जियो ऐप में नोटिफिकेशन भेजा गया था, सिम एक्टिवेट करने का मैसेज आप पढ़े थे मैम? मैंने आज रिचार्ज कर लिया। रिचार्ज की बात नहीं हो रही मैम, सिम कार्ड ही आपका ब्लॉक किया जा रहा है। सिम कार्ड? हाँ जी, जो 86 से चल रहा है ना आपका, ये नंबर ही आपका ब्लॉक किया जा रहा है मैम आज की डेट पे। क्यों? क्योंकि मैम इसमें माई जियो ऐप में आपको आधार कार्ड लिंक करने का नोटिफिकेशन भेजा गया था, अभी तक आपने माई जियो ऐप पे आधार कार्ड लिंक नहीं किया है मैम, जिसके कारण ये सिम कार्ड आपका क्लोज हो रहा है। आप माई जियो आपका मोबाइल पे डाउनलोड है कि नहीं है? है। तो उसमें नोटिफिकेशन आपको भेजा गया था 22 फरवरी को, मैसेज आप नहीं पढ़े थे मैम? मालूम नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो क्या आप लिंक करने से चलेगा? अभी आप, आज आपका लास्ट डेट है, 15 मिनट बचा हुआ है। अभी आपको कैसे प्रोसेस करना है मैं बता देता हूँ। हाँ। जैसे कि रिचार्ज आपने लास्ट टाइम अभी जो किए थे, खुद के माध्यम से किए थे कि शॉप से किए थे? नहीं, अभी मैंने खुद किया था जी। मैंने खुद किया है, खुद के माध्यम से किए मैम। तो अभी सबसे पहले आपको सिम कार्ड एक्टिवेट करने के लिए माई जियो ऐप में जाके 10 रुपए का टॉप अप रिचार्ज करना है। ओके, माई जियो ऐप से रिचार्ज करना पड़ेगा। जैसे वहां से आप रिचार्ज करेंगे, आधार कार्ड सबमिट मांगेगा, आधार कार्ड वहां पे डाल के सबमिट कीजिएगा। कैसे होगा मैं बता देता हूँ। आप अपना मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए मैम। हाँ। वहाँ पे सर्च कीजिए आधार कार्ड लिंक करने का ऐप मैम, जियो KYC QES। हाँ ठीक है, जियो KYC QES सर्च कीजिए। आया? एक सेकेंड। हुआ मैम? जियो KYC QS। हाँ, QS, Q फॉर क्वीन, S फॉर सिमला, QS। आ रहा है टीम वीवर क्विक सपोर्ट? हाँ आ रहा है। 29 MB का होगा मैम। हाँ, उसको डाउनलोड कीजिए। हाँ, तो क्या करना है अभी? उसी से आपका आधार कार्ड लिंक होगा, मैं यहाँ से TRN नंबर आपको कंप्लेन ID नंबर सेंड करूंगा मैम। डाउनलोड हो रहा है आपका? हाँ, मुझे मैं हस्बैंड को बोल दूंगी, वो कर लेंगे, आप भेज दीजिए। तो मैम आपको खुद के माध्यम से करना है अभी आपको। हाँ, अपना यही सिम से आपको करना है वेरिफिकेशन। हस्बैंड करेंगे तो नहीं होगा, आपको अपना मोबाइल से अभी करना है। 15 मिनट आपके पास समय बचा हुआ है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जियो सर्विस मुंबई से बात कर रहा हूँ, जहाँ से सिम कार्ड इशू होता है मैम, चेंबूर से। अच्छा ठीक है, अभी आपका ये अच्छा ठीक है, मैं बाद में आपका कोई कांटेक्ट नंबर है? सॉरी मैम, वॉइस रिकॉर्ड होता है। ओके, आपको एक्टिवेट करना है कि क्लोज रखना है बताइए, वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड होता है मैम। हाँ, एक्टिवेट तो करना है, लेकिन क्या होता है आजकल के लिए फोन पे बहुत ऐसे फॉल्स दिए कॉल भी आता है अभी आपके। यस मैम, यस बिल्कुल बिल्कुल राइट मैम, आजकल बहुत फ्रॉड कॉल आता है, जो आधार कार्ड नंबर, ATM कार्ड नंबर, पिन नंबर, अकाउंट नंबर, ये सब जानकारी पूछता है। हाँ, मेरा ऐसे पैसा गया भी है बहुत पैसा। जी जी बिल्कुल मैम, ये सब जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें मैम, क्योंकि आप कभी भी जियो कस्टमर केयर से कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए आपको नहीं बोलता है मैम। मैं आपसे कोई भी जानकारी यहाँ से नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है ना? सारा प्रोसेस आपको खुद के माध्यम से करना है मैम। ओके, एक बात है ये ना, कोई कोई ऐप करने से आपको खुद भी पता चल जाएगा मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, ये मुझे मालूम है। नो नो नो, बिल्कुल नहीं, आपका पास तो, वो भी टेंशन है ना, ये आपका बिल्कुल, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो मैं क्षमा चाहता हूँ मैम, आपका मर्जी, आपको जो करना है। हाँ, क्या कीजिएगा बताइए। ठीक है, आप नोटिफिकेशन मेल पे भेजिए, मैं उसी से देख लूंगी। ठीक है, थैंक यू मैम। अगर 15 मिनट में जियो नंबर क्लोज होगा, उसका नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू।